नाउ ये आपका सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का टेस्ट होगा। सो इस टेस्ट में भी मैं बस आपके बेसिक्स चेक करना चाहता हूँ, और अगर आपने ये टेस्ट को लगभग अगर 90% भी सॉल्व कर दिया, देन दैट मीन्स कि आप बेसिक्स में राइट हो। एंड अगर आपने 90% सॉल्व कर दिया, देन उसके बाद में जब जेड ट्रांसफॉर्म के लेक्चर डाल दूंगा, उसके बाद में बेस्ट क्वेश्चंस जो मेरे एक बुक बना रखे हैं मैंने, मेरी जो रजिस्टर है उसमें जो बेस्ट क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। बट सॉल्व करवाने से पहले, मेरी वीडियो देखने से पहले, आपको खुद से सॉल्व करना होगा, ठीक है। सो बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि जो मेरे पास बेस्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी है जो मैंने बना रखी है, वो मैं आपको जब सॉल्व करवाऊँ, तो सॉल्व करवाने से पहले, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप उसे खुद से सॉल्व करें। बिकॉज अगर आपने ये 90% सॉल्व कर दिया, देन दैट मीन्स आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं नॉर्मली बता चुका हूँ थ्योरी पार्ट में भी, एंड कुछ क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसमें क्या है, इवन एंड ऑड कंपोनेंट निकालने हैं, इफ एक्स टी इज दिस, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। द प्रॉब्लम नंबर टू इज डिटरमाइन इफ द सिग्नल्स एक्स टी गिवन लाइक दिस इज पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, और अगर पीरियोडिक है देन फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना होगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स वगैरह, ठीक है। एंड ये जो भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में आप फिल इन द ब्लैंक्स पुटअप करके जो भी पॉसिबल आप कमेंट कर सकते हैं वो कर दीजिएगा साथ में, ठीक है। जो भी आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड जो भी आप लिखना चाहते हैं वो साथ में लिख के आप भेज सकते हैं ईमेल आईडी पे, ठीक है। सो द पावर ऑफ अ पावर सिग्नल इज ऑलवेज डैश एंड इट्स एनर्जी कंटेंट इज डैश। द पावर ऑफ अ एनर्जी सिग्नल इज वॉट, एनर्जी सिग्नल्स आर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल्स, ट्रू और फॉल्स विद पॉसिबल कमेंट्स। इफ अ सिग्नल इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल देन इट्स एनर्जी कंटेंट इज फाइनाइट डेफिनेटली, ठीक है। फिफ्थ, पावर सिग्नल्स आर दिस, ट्रू और फॉल्स विद पॉसिबल कमेंट्स। सिक्स पार्ट इज दिस एंड सेवेंथ पार्ट, सिक्स एंड सेवेंथ पार्ट इज दिस, ठीक है। जो भी पॉसिबल कमेंट आप कर सकते हैं वो करना प्लीज। ना फोर्थ क्वेश्चन आपका ये आएगा, एक्स टी ए गिवन है, आपको प्लॉट करना है, फिर एनर्जी एंड पावर सिग्नल में कैटेगराइज करना है, फिर एंड करस्पॉन्डिंग एनर्जी एंड पावर आपको निकालना है। सो ये तीन पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ अ सेमी कंडक्टर डायोड इज दिस, आई टी इज द करंट थ्रू द डायोड एंड वी टी इज अप्लाइड वोल्टेज एंड आई टी एंड वी टी आर रिलेटेड लाइक दिस, ठीक है। ये आगे क्या होगा, प्लस ए थ्री वी थ्री प्लस ए थ्री वी क्यूब टी, इस तरह से आगे चलता जाएगा। सो द क्वेश्चन इज दस दिस डायोड हैव मेमोरी, आप यस और नो में कमेंट करना, और जो भी आप रीजन दे सकते हैं वो आपको रीजन देना होगा। नाउ आपका सिक्स क्वेश्चन ये आएगा, ये आपका एक्स टी है, एक्स टी से आपको ए बी सी डी ई एफ ये सिक्स ग्राफ्स आपको एक्स टी से ड्रॉ करने हैं, ठीक है। सो जैसे भी आप ड्रॉ करना चाहें मेरे को आप ड्रॉ करके भेज सकते हैं। फिर सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ फार डज द मेमोरी ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप एक्सटेंड, मेमोरी कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है। वाई टी इज आउटपुट, एक्स टी इज इनपुट, दिस इज इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप एंड ए बी सी डी आर द ऑप्शंस। फोर टाइम यूनिट्स इंटू द फ्यूचर एक्सटेंड हो रही है, फोर टाइम यूनिट्स इंटू द पास्ट एक्सटेंड हो रही है, टू टाइम यूनिट्स, या फिर सिस्टम इज मेमोरीलेस, ठीक है। नाउ एट्थ क्वेश्चन आपका ये आएगा, इस क्वेश्चन में आपको ये ए बी सी डी ई फाइव पार्ट्स हैं, ये फाइव पार्ट्स आपको वेव फॉर्म ड्रॉ करना है विद, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है यहाँ से वेव फॉर्म ड्रॉ करना है आपको। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, एक्स टी इज दिस, वाई टी इज दिस, देन ड्रॉ द फॉलोइंग सिग्नल्स केयरफुली, केयरफुली क्यों, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हर जगह, ठीक है, हर जगह मल्टीप्लिकेशन है इसलिए केयरफुली लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये सब आपको ए बी सी डी फाइव ग्राफ्स आपको ड्रॉ करने हैं। सो जो भी आपसे जितना भी पॉसिबल हो करके देखना। नाउ ये आपका टेंथ क्वेश्चन होगा, इसमें ये पार्ट्स हैं, इसमें आपको जो भी लिखा हुआ है, कुछ भी जो भी कमेंट्स आपके पास होंगे, पॉसिबल कमेंट्स आप लिख के भेजना, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एल टी आई सिस्टम टू बी कॉजल, वॉट शुड बी द नेचर ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स,
फॉर एल टी आई सिस्टम टू बी द स्टेबल वॉट इज द कंडीशन ऑन इम्पल्स रिस्पॉन्स कैन एल टी आई सिस्टम बी कॉजल इफ येस और नो देन पॉसिबल कमेंट्स विद द रीजन ठीक है कैन एल टी आई सिस्टम बी एंटी कॉजल येस और नो विद रीजन फॉर एल टी आई सिस्टम टू बी स्टेबल वेयर शुड द पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन मस्ट लाई ये आपका क्वेश्चन है आपको पॉसिबल कमेंट्स करने होंगे जो भी आप सोच सकते हैं इफ पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एल टी आई सिस्टम आर इन आर एच एस ऑफ एस प्लेन देन दैट द सिस्टम इज अनस्टेबल डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स विद पॉसिबल कमेंट्स ये आपको तो भी आप लिख सकते हैं नाउ 11th क्वेश्चन आएगा आपका ये आपका एक्स टी वेव फॉर्म है ठीक है एक्स टी वेव फॉर्म ये 1 लेवल है ये 2 तक गया फिर -1 तक गया फिर 0 एंड फिर ये कहाँ पे आ गया फिर से 1 पे आ गया इसका आपको क्या लिखना है एक्सप्रेशन आपको लिखना है फिर अगला क्वेश्चन आएगा आपका 12th क्वेश्चन वाई टी इज इक्वल्स टू ई वन पार्ट ऑफ एक्स टी दिस इज अ सिग्नल सॉरी सिस्टम रिलेशनशिप सो एंड द सेकेंड इज वाई टी इज इक्वल्स टू ऑड पार्ट ऑफ एक्स टी कमेंट इफ द सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर नाउ आपका 12th क्वेश्चन होगा एक्स टी इज इक्वल्स टू दिस फाइंड ए नॉट सी नॉट ए वन बी वन ए टू बी टू ठीक है एंड कैलकुलेट पावर ऑफ एक्स टी 13th क्वेश्चन इज दिस ये आपका जो ये 12.1 समझ लेना इसको ठीक है क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन भी 12 था तो ये 12.1 है ठीक है नाउ 13th क्वेश्चन इज एक्स टी इज इक्वल्स टू दिस फाइंड पावर ऑफ एक्स टी 14th क्वेश्चन इज दिस इज द सिग्नल एक्स टी फाइंड एनर्जी एंड पावर ऑफ दिस सिग्नल क्वेश्चन नंबर 14.1 इज दिस एक्स टी इज इक्वल्स टू दिस e टू द पावर t u ऑफ माइनस t प्लस सैम्पलिंग t u t फाइंड एनर्जी एंड पावर ऑफ एक्स टी नाउ 15th क्वेश्चन आपका ये होगा मैंने कई सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं इन फॉर्मूलाज में आपको ये बताना है दैट विच ऑफ द फॉर्मूलाज आर करेक्ट एंड विच आर नॉट ठीक है सो जो भी फॉर्मूला करेक्ट होगा वो आप लिख के भेज सकते हैं ठीक है और जो करेक्ट नहीं है उसमें भी आप अगर कमेंट करना चाहें तो लिख के भेज सकते हैं ठीक है सो ये सारे फॉर्मूलाज हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ नाउ ये सब 16th क्वेश्चन है इस 16th क्वेश्चन में जो भी आप पॉसिबल कमेंट्स करना चाहें कर सकते हैं ठीक है पहला पार्ट दूसरा थर्ड फोर्थ फिफ्थ नाउ ये आपका 17th क्वेश्चन होगा ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये आपके स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इन स्टेटमेंट्स में आपको बताना होगा ट्रू एंड फॉल्स वगैरह जो भी है एंड विद पॉसिबल कमेंट्स आपको कमेंट भी करना होगा जो भी आप कर सकते हैं ठीक है ये जो ट्रू फॉल्स वाले फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है एंड ये सारे जो क्वेश्चन है यही सब हमारे यहाँ हमारे दिमाग में डाउट्स होते हैं और जो हम गलत करके आते हैं क्वेश्चन पेपर में ठीक है सो अगर ये डाउट आपके क्लियर हो गए सो समझो आपका सिग्नल्स क्लियर हो गया ठीक है और फॉर्मूलाज कैसे करने हैं वो मैं आपको बता ही दूंगा